स्वदेशी जागरण मंच द्वारा मनाए जा रहे विश्व जागृति दिवस पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार महानगर में अलग अलग 25 स्थानों पर कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मंच व अन्य संस्थाओं पतंजलि योगपीठ, भारतीय स्वाभिमान योग सेवा समिति, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, हिंदू युवा संघ एवं आर्य समाज से जुड़े कार्यकर्ताओं ने 25 स्थानों पर कोविड वैक्सीन को सर्वसुलभ बनाने के लिए, इसे पैटेंट मुक्त करने के लिए विश्व जागृति दिवस पर मानवता की पुकार वैक्सीन सबका अधिकार जैसे स्लोगन लिखे पोस्टर व बैनर हाथ में लेकर इसमें भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में मंच के क्षेत्र संयोजक डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि वैश्विक मानवता आज कोविड-19 के रूप में एक अभूतपूर्व संकट व त्रासदी का सामना कर रही है। पिछले लगभग एक वर्ष में दुनिया भर में 37 लाख से अधिक और भारत में 3.5 लाख से अधिक लोगों की कोविड-19 से असमय मृत्यु हो गई है। इसराइल, US, UK, नॉर्वे आदि देशों ने अपनी वयस्क बहुमत का टीकाकरण करके ताज़ा संक्रमण और कोरोना से होने वाली मौतों को नियंत्रित किया है। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दुनिया को करीब 14 अरब वैक्सीन डोज की ज़रूरत है, जबकि पिछले लगभग 6 महीनों में सभी 8 फार्मा कंपनी द्वारा कोविड टीकों के केवल 200 करोड़ डोज का ही उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान दर पर दुनिया की योग्य आबादी को टीका लगने में 2-3 साल और लग सकते हैं, जबकि पहले से ही टीका लगाए गए लोगों को पुनः नए कोरोना वेरिएंट से संक्रमित होने से बचाने के लिए 10-12 महीनों के समय में सभी देशों की योग्य आबादी का टीकाकरण करना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपील की गई कि विश्व व्यापार संगठन पैटेंट फ्री वैक्सीन के लिए टिप्स के प्रावधानों में छूट दें। वैश्विक दवा कंपनियां स्वैच्छिक रूप से अन्य फार्मा कंपनियों को कोविड-19 के टीके बनाने की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित पैटेंट मुक्त अधिकार दें। सरकारें अपने संप्रभु अधिकारों का प्रयोग कर अधिक दवा फार्मा को टीके बनाने का लाइसेंस दें और संबंधित व्यक्ति और संगठन मानवता हेतु अभियान का समर्थन करें। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मंच के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार और स्वदेशी जागरण मंच का मैं क्षेत्र का संयोजक हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है आज? पूरे देश के अंदर स्वदेशी जागरण मंच ने जो हमारी कोरोना को लेकर वैक्सीन है और दवाइयां हैं उसको पेटेंट से मुक्त किया जाए, इसके लिए पिछले एक महीने के लिए हम लोग अभियान चला रहे थे। आज पूरे देश में हम लोग विश्व जागृति दिवस आयोजित कर रहे हैं। प्रत्येक जिला केंद्र पर, जिले के अनेक स्थानों पर अपने कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं, विपरीत परिस्थितियों में एकत्र हुए हैं और हमने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारी सरकार भी इस अभियान में लगी हुई है और WTO के ऊपर एक दबाव बनाने के लिए भी कि WTO जो देश वैक्सीन बना रहे हैं, जो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं वो उनको पेटेंट से मुक्त करें ताकि पूरे विश्व के सभी देशों को ये वैक्सीन सस्ती दरों पर उपलब्ध हो पाए। हम लोग जानते हैं कोरोना की महामारी कितनी विकट है और यहाँ भी तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, तो जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीन लगे और वैक्सीन सबको सुलभ हो, इसलिए ये अभियान चलाया गया है। विश्व के अनेक देशों में यह अभियान चल रहा है, लगभग 120 देशों में यह अभियान चल रहा है और आज का ये दिवस भी विश्व के अनेक देशों में मनाया जा रहा है। तो आज स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता मुरादाबाद के चौधरी चरण सिंह चौक पर एकत्र हुए हैं और अपने मुरादाबाद में भी आज 25 अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो कोरोना की जो दवाइयाँ हैं और कोरोना की जो ये वैक्सीन है ये पेटेंट से मुक्त हो और ताकि गरीब व्यक्ति को भी अपना इलाज कराने में वैक्सीन लगाने में सुविधा हो।